गया। बच्चों, आप सभी का इस महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अब तक आप लोगों ने जो 12th तक जो पढ़ा है, तो उसमें और महाविद्यालय की पढ़ाई में कितना अंतर है, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अब तक आपने दो प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ी है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप जो BSc फर्स्ट में आपको तीन किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो तीन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इन तीनों का जो पूर्णांक है, मार्क्स है, वो 50-50 नंबर के पेपर होंगे और 50 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होगा। टोटल जो इसका पूर्णांक होता है केमिस्ट्री में 200 का होता है। अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कुल जो यूनिट्स हैं वो 5 है। 5 यूनिटों में से नियम है यूनिवर्सिटी का कि आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करने हैं, अर्थात कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन चूज करना है। तो अब हम आते हैं आपको, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट में जो पहली वाली यूनिट है वो यूनिट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इंटीग्रल, डिफरेंशियल और जो ग्राफिकल मेथड होते हैं, इन सब के बारे में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ में है लिक्विड स्टेट, दूसरी यूनिट है आपके गैस स्टेट, गैस स्टेट, तीसरी यूनिट आपके सॉलिड स्टेट, और चौथी यूनिट है आपके कोलाइड, और पांचवी यूनिट है आपके रासायनिक बलगति की। तो अब मैं